नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन न्यूज़, मैं हूं आपके साथ कुमार। देखिए, बीते 30 मार्च को झाझा थाना क्षेत्र के हरना पुल के पास एक लूटपाट की घटना को अंजाम दिया गया था। आपको बता दें कि जिससे लूटपाट की घटना को अंजाम दिया गया, उस मामले में कुल 3 अपराधियों के शामिल होने की बात बताई जा रही थी, जिसका आज पूरा खुलासा पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर, जो DSP रविशंकर प्रसाद थे उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरे मामले का जो है उद्भेदन कर दिया है। आपको बता दें कि बीते 30 मार्च को भारत नॉन बैंकिंग के कंपनी में कार्य कर रहे मैनेजर जो सोनू कुमार थे, समस्तीपुर के निवासी से, 23 वर्ष उनकी उम्र बताई जा रही थी, और उनसे उनका एक टैब और लगभग 1 लाख से अधिक रुपये जो थे और एक मोटरसाइकिल जो है उनसे छिनतई कर लिया गया था, जिसका 4 घंटे के अंदर 30 मार्च को ही पुलिस की तत्परता से उस मोटरसाइकिल को बरामद जरूर कर लिया गया था। लेकिन आपको बता दें कि टैब और अपराधकर्मियों की जानकारी पुलिस के हत्थे नहीं लग पाई थी, जिसका मामला का आज खुलासा पूरी तरह से हो चुका है। आपको बता दें कि झाझा के डूमर पोखर से आज एक अपराधकर्मी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जिस लड़के की उम्र करीब 20 वर्ष बताई जा रही है और संदीप यादव उसका नाम बताया जा रहा है, वो सोनू थाना का निवासी है। लेकिन आपको बता दें कि इस मामले में अभी भी 2 अन्य युवकों की गिरफ्तारी होनी बाकी है, जिसका जैसा कि युवक ने बताया है और युवक ने खुद इस मामले में अपनी संलिप्तता जो है वो भी स्वीकार कर ली है। देखिए क्या कुछ कह रहे हैं इस मामले को लेकर झाझा DSP रविशंकर प्रसाद। 30/3/22 को एक भारत नॉन बैंकिंग कंपनी का वो मैनेजर पैसा लेके जा रहा था हरना के पास, 3 अपराधकर्मी मोटरसाइकिल से आया और उसका पैसा, एक टैब और मोटरसाइकिल लूट के भाग गया, और ये ब्लाइंड लूट हो गया हमारे पुलिस के लिए। लेकिन हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय के लगातार निर्देशन और मॉनिटरिंग के चलते इसमें लगभग 6 आदमी को पकड़ के पूछताछ भी किया गया, पहले से जो इस तरह के क्रिमिनल रहे हैं, और उसी क्रम में हमारे वैज्ञानिक अनुसंधान में ये बात आई कि एक लड़का उसमें सम्मिलित है, जिसका हम मैंने किया गया, फॉलो किया गया, और उस के आधार पर एक लड़का को गिरफ्तार किया गया, जिसका नाम संदीप यादव है, जो लखन कियारी का रहने वाला है, और इसने अपना इस कांड में संलिप्तता स्वीकार की, और जो 2 अन्य अपराधकर्मी हैं इसके साथ ही, उसको बताया उसका नाम, और इसको इसकी निशानदेही पर इसमें लूटी गई टैब को बरामद किया गया है। ये डूमर पोखर ग्राम के जंगल में झाड़ी में फेंक दिया था। डूमर पोखर से ये पकड़ा गया है? हाँ, अच्छा, डूमर पोखर से ये पकड़ा गया है, जो कटिया, हाँ, जो कटिया गांव के जंगल में झाड़ी में ये लोग फेंक दिया था, और पकड़ाने पर इसके निशानदेही पर उसको बरामद भी कर लिया गया है। इस तरह से कांड पूर्ण रूप से उद्भेदन कर लिया गया इस कांड का, और इसमें हमारे थाना का और हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय का बहुत ही प्रयास रहा। सर, तो क्या क्या इस मामले में बरामद हुआ सर, इसके इसमें क्या क्या बरामद किया गया? इसमें लूटी गई मोटरसाइकिल जो ये लोग लूट कर लेकर भागा था, तो तत्काल 4 घंटा के अंतर्गत ही उसको बरामद कर लिया गया था पुलिस के द्वारा, और बाद में जो ये लड़का पकड़ाया, तो इसके निशानदेही पर टैब बरामद कर लिया गया, और पैसा को भी हम लोग रिकवर करेंगे। सर, इस मामले में और भी लोगों के शामिल होने की सूचना है या फिर पुलिस इसके लिए आगे भी? और हाँ, इसमें है, इसके साथ 2 आदमी और हैं जिनकी पहचान कर ली गई है, और उस पर लगातार छापेमारी की जा रही है, बहुत जल्दी वो लोग हाथ में आ जाएंगे। फिलहाल एक लोगों को गिरफ्तार किया गया? हाँ, एक गिरफ्तारी हुई है। टीम में कौन कौन थे सर? क्या, अच्छा, इस टीम में इस थाने के थानाध्यक्ष राजेश शरण हैं, साथ में वो DIU के प्रभारी राजवर्धन कुमार, और सानी शशिभूषण सिंह थाने का, थाना में प्रतिनियुक्त टाइगर मोबाइल, थाना में प्रतिनियुक्त बीट गश्ती दल के सहयोग से छापेमारी कर इसको पकड़ा गया है। और इसके साथ साथ ये जो पकड़ाया लड़का है अपराधी, ये अन्य कांडों में, सोनों के 2 कांड में 2019 में आर्म्स के एक्ट का ही केस में जेल भी जा चुका है।